भाई 15,000 का लोन यहाँ पर अप्रूवल हुआ है। कॉन्ग्रेचुलेशन का पेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो भी है एग्रीमेंट का नंबर भी शो कर रहा है। एचडीएफसी बैंक पर ये पैसा ट्रांसफर भी हो जाएगा 3 से 4 घंटे के अंदर। आप लोग लोन का टेन्योर देख सकते हो, 12 महीने के लिए मिला है। ईएमआई देख सकते हो क्या है। तो सारा कुछ डिटेल्स आप लोगों को बताऊंगा। आखिर ये लोन एप्लीकेशन कौन सा है, नया लोन एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, अच्छा खासा रेटिंग्स भी है इसका। तो अगर आप इसमें अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली इससे लोन मिलेगा। प्रोसेस एक नया अपडेट के थ्रू आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूं। जो भी अपडेट आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा वो अपडेट मैं आप लोगों को इसमें दूंगा। पूरा वीडियो देखना, उसके बाद आप लोगों को डेफिनेटली इससे लोन मिलेगा। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ 15,000 का, इससे ज्यादा भी अमाउंट आपको मिल सकता है। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, ट्राई करोगे तो ही आप लोगों को मिलेगा। अगर आप सोचो कि भाई नहीं मिलेगा, फालतू का वीडियो बना रहे हैं, नहीं करूंगा अप्लाई, इससे क्या होगा ना, आप लोगों को कभी भी लोन नहीं मिलेगा। अगर ट्राई करते जाओगे एक ना एक दिन आप लोगों को लोन मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ट्राई करते जाना। आप लोगों को कोई तो नुकसान तो हो नहीं रहा है यहाँ पर, आपका सिविल भी डैमेज नहीं होगा। जो भी इंक्वायरी जाता है उनके पास, जो भी सिविल के पास इंक्वायरी जाता है तो वो सॉफ्ट इंक्वायरी होता है, तो उससे सिविल डैमेज होता नहीं है। मेरा खुद का जो है बहुत सारा इंक्वायरी लगा हुआ है लेकिन एक भी सिविल जो है घटा नहीं है। हार्ड इंक्वायरी जब तक नहीं लगेगा तब तक वहां पर सिविल घटता नहीं है। बस यही चीज मैं आप लोगों को बोल दे रहा हूँ। तो अप्लाई करो, आप लोग डेफिनेटली इससे देखोगे लोन आप लोगों का अप्रूवल हो रहा है, आप लोगों को मिलेगा जरूर। दोस्तों एक नया लोन एप्लीकेशन आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। यहाँ पर आप लोग लाइव प्रूफ देख सकते हो, 15,000 का लोन मैंने अप्रूवल करवा दिया एक दोस्त का। तो ये जो लोन एप्लीकेशन है ये कहाँ से मिलने वाला है, किस तरीके से आप लोगों को लोन अप्लाई करना है, जो कि आप लोगों को यहाँ पर 15,000 या 20-25,000 भी मिल सकता है एज पर सिविल एज पर प्रोफाइल। तो आप लोगों को पूरा देखना होगा वीडियो। अगर आप लोगों का लोन रिजेक्शन हो जा रहा है, बार बार रिजेक्ट हो रहा है, कहीं पर भी आप अप्लाई करने जा रहे हो, ये लोन एप्लीकेशन में अगर आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को लोन मिलेगा। मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूँ, अगर आप अप्लाई करोगे सही तरीके का प्रोसेस अप्लाई करोगे तो आप लोगों को लोन मिलेगा। ये जो भी है लेटेस्ट अपडेट है जो कि एप्लीकेशन खुद यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर आप अप्लाई करोगे सही तरीके से आप लोगों को लोन मिलेगा, 100% गारंटी है। ठीक है, अब यहाँ पर जो भी लोन एप्लीकेशन है कांग्रेचुलेशंस का पेज आप लोगों को जो है यहाँ पर लाइव देखने को मिल रहा है। 15,000 का लोन है, एग्रीमेंट का नंबर यहाँ पर शो कर रहा है। ये पैसा जो है ऑलरेडी पैसा डिस्बर्स हो चुका है, अकाउंट पर आ चुका है, जिस भी सब्सक्राइबर उसके यहाँ पर अप्लाई किया था। 12 महीने के लिए लोन मिला है। ईएमआई आप लोग देख सकते हो कितना कम ईएमआई आया हुआ है। ठीक है, तो ये जो भी अमाउंट आप लोगों को मिलने वाला है, कौन सा लोन एप्लीकेशन देगा, किस तरीके से देगा, सिर्फ आधार कार्ड होगा, होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए और कोई भी यहाँ पर तीसरा डॉक्यूमेंट देने की जरूरत नहीं है। ना बैंक स्टेटमेंट लगेगा, ना आप लोगों का कोई भी सैलरी स्लिप लगेगा, बस आप लोगों को दो ही चीज लगेगा, वो आप लोगों को देना पड़ेगा, आप लोगों का लोन यहाँ पर सेंक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो भी लोन एप्लीकेशन है कहाँ से मिलेगा, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, ये एनबीएफसी है, आरबीएस लाइसेंस्ड है। तो आप लोगों को सही तरीके का प्रोसेस बताऊंगा, आप लोग प्रोसेस को अप्लाई करिएगा, डेफिनेटली आप लोगों से लोन मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को जो भी है प्ले स्टोर पे लेकर चलता हूँ। प्ले स्टोर पे आप लोग देख सकते हो 4.0 का रेटिंग से 12,000 रिव्यूज पे, जो कि अच्छा रेटिंग्स माना जा रहा है, मतलब यहाँ पर लोन मिल रहा है, सच में मिल रहा है। मैं आप लोगों को लाइव दिखा रहा हूँ। ठीक है, 1 मिलियन प्लस डाउनलोड ऑलरेडी हो चुका है। सिंपल आप लोग इंस्टॉल करिएगा, इंस्टॉल करते आप लोगों को जो भी है एप्लीकेशन अपने फोन पर ओपन होगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इमीडिएट जो है ऐसा है बैंक ट्रांसफर का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर आप लोग डन करिएगा। डन डन करके जैसे नेक्स्ट करोगे तो आप जो है नेक्स्ट पेज में देखने को मिलेगा आपको कि कुछ लैंग्वेज जो है चूज करने के लिए बोला जा रहा है। अब यहाँ पर जो लैंग्वेज आप लोगों को देखने को मिल रहा है, ये लैंग्वेज आप लोगों को जो भी चूज करोगे एप्लीकेशन उसी लैंग्वेज पर रन करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लैंग्वेजेस देख सकते हो, इंग्लिश है, तमिल है, हिंदी है, तेलुगु है, मलयालम है, कनाडा है, गुजराती है, मराठी है, बंगाली है, उड़िया है, आसामी है, पंजाबी है, इतना सारा लैंग्वेज है। तो आप लोग कोई भी चूज कर सकते हो। ठीक है, नॉर्मल से जो है मैं इंग्लिश चूज कर लेता हूँ और अप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ प्रोसेस। तो जैसे अप्लाई करोगे तो नेक्स्ट पेज में सभी एप्लीकेशन जैसा करता है कि अब जो है लॉगिन का प्रोसेस है। लॉगिन करना होगा, सिंपल आप लोगों को अपना मोबाइल नंबर डालना होगा। मोबाइल नंबर जो भी है बैंक से लिंक होना चाहिए, आधार कार्ड पैन कार्ड से लिंक होना चाहिए, तभी ये काम होगा, नहीं तो काम नहीं होगा। चीज को ध्यान में रखिएगा, अगर नहीं है तो आप लोग अप्लाई करोगे तो आप लोगों का रिजेक्शन ही देखने को मिलेगा। यही जो है मेन चीज होता है। आप लोग बोलते हो भाई फेक वीडियो बनाते हो, अरे भाई लोगों को मिलता है, जो सही प्रोसेस अप्लाई करता है उनको मिलता है लोन। आप लोग क्या करते हो, देखते हो वीडियो को स्किप कर देते हो, सही तरीके से सुनते नहीं हो, समझते नहीं हो पर अप्लाई करने चाहिए तो आप लोगों को दिक्कत होगा, मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर जो भी मोबाइल नंबर है वो डाल के गेट ओटीपी जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है ओटीपी आएगा, जो नंबर आपने डाला होगा ओटीपी आप लोगों को यहाँ पर डालना होगा। वेरीफाई जैसे करोगे तो वेरीफाई करने पर आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है कुछ परमिशन, जो कि आप लोगों को अलाउ करने के लिए बोला जा रहा है, जो कि लोकेशन का परमिशन होने वाला है, एसएमएस का परमिशन होने वाला है और जो भी है नोटिफिकेशन परमिशन, कैमरा का परमिशन, जो कि अलाउ करना होगा। तो एग्री एंड कंटिन्यू करना होगा। जैसे करोगे तो आप लोगों के पास जो भी परमिशन, आप लोगों को आपने परमिशन दे रहा है वहां पर दे रहे हो, वो परमिशन ग्रांट करना होगा। तो ग्रांट करने के लिए आप लोगों को ये दोनों में ऑप्शन जो मिल रहा है एक कोई भी चूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, डोंट अलाउ मत करना, नहीं एप्लीकेशन क्लोज हो जाएगा। तो जैसे आप लोग सब कुछ परमिशन दे दोगे तो मेन डैशबोर्ड पे आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत सारा ऑप्शन है, पर्सनल लोन है, होम लोन है, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी है, आप लोगों को लोन चाहिए कौन सा। तो यहाँ पर पर्सनल लोन आप लोगों को लेना है तो पर्सनल लोन जैसे करोगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो पर्सनल लोन के कैटेगरी पर यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है कि क्लिक कैश इन 15 मिनट, 15 मिनट के अंदर आपको पैसा मिल जाएगा। ठीक है, 10,000 से लेकर 3 लाख तक का लोन आपको मिलेगा एज पर योर सिविल आपका प्रोफाइल के बेसिस पर। तो जैसे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है पैन कार्ड का नंबर डालने के लिए बोला जा रहा है नेक्स्ट पेज पर।
पैन कार्ड का नंबर यहाँ पर सही तरीके से डालिएगा, सही तरीके का डाल के यहाँ पर आपको चेकबॉक्स को चेक करके आपको कंफर्म करना होगा। पैन कार्ड ही जो है आपका सिविल चेक करता है, आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो आपका सिविल चेक करेगा, यहाँ पर नेक्स्ट पेज में लेके जाएगा जहाँ पर आपका फुल नेम डालना पड़ेगा एज पर पैन कार्ड। अब वहाँ पर जो है बाकी का डिटेल्स यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर डाला हुआ है, जो भी डिटेल्स मांगेगा आप डालिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ होगा, आप जेंडर जो है यहाँ पर मेल फीमेल अदर्स जो भी है सिलेक्ट कर लीजिएगा। कम्युनिकेशन पिन कोड जो भी है आधार कार्ड का जो पिन कोड होगा वही वाला डालिएगा, ठीक है। कंटिन्यू जैसे करेंगे नेक्स्ट पेज में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपका एम्प्लॉयमेंट का टाइप क्या है, सैलरीड हो, सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब प्रोफेशनल हो या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड हो, तो यहाँ पर आप लोगों को मैं रिकमेंड करूंगा सैलरीड ही क्लिक करना। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो तो सेल्फ एम्प्लॉयड भी क्लिक कर सकते, यहाँ पर लोन मिलेगा, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर जैसे आप जैसा क्लिक करेंगे उसके हिसाब से आएगा, जैसे कि यहाँ पर सेल्फ एम्प्लॉयड का जो है क्लिक किया हुआ है, तो सेल्फ एम्प्लॉयड क्लिक करने पर यहाँ पर जिस भी भाई का मैंने अप्रूवल करवाया है उनका एक गैराज था, तो ऑटो रिपेयर सर्विस जो यहाँ पर है मंथली इनकम वो 35,000 करता है, तो मैंने वहाँ पर डाला हुआ है। अब प्रोसीड करना होगा, प्रोसीड जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि जो भी डिटेल्स डाला है उसका जो भी डिटेल्स आपके सामने पूरा आ जाएगा, आप लोग चेक कर लीजिएगा। अब यहाँ पर प्रोसीड जैसे करोगे तो प्रोसीड करते ही आप लोगों का यहाँ पर कीप योर पैन कार्ड एंड आधार कार्ड रेडी फॉर नेक्स्ट स्टेप। अब जो है पैन कार्ड और आधार कार्ड जो है रेडी रखने के लिए बोला जा रहा है नेक्स्ट स्टेप के लिए, तो थोड़ा सा वेट करना होगा, वेट करते हैं। आप लोगों को नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है कांग्रेचुलेशंस का ऑफर जो है आप लोगों को मिलेगा, इस तरीके का कि आपको कितना ऑफर मिल रहा है आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, कितना ऑफर आपको मिल रहा है, ठीक है। जैसे कि 35,000 का आपको 35,000 मिल रहा है, मतलब 35,000 ही नहीं मिल रहा है, अब उसी के बीच में आप लोगों को कितना अमाउंट मिलेगा वो आप लोगों को देखना होगा, ठीक है। 12 महीने के लिए मिलेगा ये सब जो भी अमाउंट है। अब यहाँ पर आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक स्टेटमेंट जो भी है, नेट बैंकिंग का ऑप्शन यहाँ पर मांग रहे हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को प्रोसीड करना होगा, जैसे प्रोसीड करोगे तो आप लोग नेक्स्ट पेज में देख पा रहे हो आधार को ओटीपी वेरिफिकेशन करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे क्लिक करोगे रिकमेंडेड है, इसको क्लिक करने पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है केवाईसी स्टार्ट करेगा, जहां पर आप लोगों का डिजिटल डिजी लॉकर केवाईसी होगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी देना पड़ेगा, एड्रेस प्रूफ देना होगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी फिर से देना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग जैसे ही सब कुछ कंप्लीट कर दोगे, यहाँ पर जो भी एक एक करके मैं कंप्लीट करूंगा, तो यहाँ पर सबसे पहले डिजिटल डिजी लॉकर केवाईसी कंप्लीट करना होगा, तो डिजी लॉकर केवाईसी कंप्लीट पर ऑथेंटिकेशन आधार को जो है करना होगा। जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर डालने के लिए बोला जा रहा है, आधार कार्ड का नंबर आप डालिएगा, ठीक है, 12 डिजिट का आधार कार्ड का नंबर। अब यहाँ पर जो पिन को जो भी कैप्चा आपको देखने को मिले वही कैप्चा आपको यहाँ पर डालना होगा, जैसे जैसे लिखा है वैसा वैसा डालना होगा। अब नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना होगा, जैसे क्लिक करोगे तो आप लोगों यहाँ पर डिजी लॉकर का जो पेज है यहाँ पर आएगा, और यहाँ पर आपको सभी परमिशन को अलाउ करना होगा, तो अलाउ कर दीजिएगा, अलाउ करते आप लोगों को डिजी लॉकर का जो परमिशन है वो अलाउ हो जाएगा। ऑथेंटिकेट करना होगा, जैसे ऑथेंटिकेट कर दोगे तो आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पर डिजी लॉकर से ऑटोमेटिकली जो है आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड का जो है फोटो वगैरह सब कुछ शो कर रहा है। अब यहाँ पर आपको सेल्फी जो है खुद से लेना होगा, सेल्फी आप ले लीजिएगा, सेल्फी यहाँ पर आप लोग जैसे दे दोगे यहाँ पर आप लोग नेट बैंकिंग का ऑप्शन वगैरह आ रहा है, आप जो भी है आप लोगों को देना पड़ेगा यहाँ पर बैंक जो है वेरीफाई करने के लिए, ठीक है। सिंपल से बैंक वेरीफाई करेगा, तो आप लोगों के पास ₹1 भेजेगा बैंक की तरफ से, ठीक है, जो भी आपका बैंक कनेक्ट होगा उसमें, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पर आपको करना क्या होगा, जैसे प्रोसीड करोगे तो प्रोसीड करते नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है, अब बैंक सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ रहा है, तो जैसे यहाँ पर सिलेक्ट को सिलेक्ट करोगे तो बैंक का ऑप्शन आएगा, बैंक सिलेक्ट कर लेना, और यहाँ पर आप लोगों को बैंक का अकाउंट नंबर डालना है, कंफर्म करना है, IFSC कोड डालना है, सब कुछ डालने के बाद आप लोग यहाँ पर देख सकते हो आपका नाम वगैरह सब कुछ जो भी है, नाम मतलब बैंक का जो भी एड्रेस है वो शो करेगा, नाम बैंक का नाम शो करेगा, और प्रोसीड करना होगा। जैसे प्रोसीड करोगे तो नेक्स्ट पेज में आप लोगों को देखने को मिल रहा है, अब जो है जाकर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि क्या आपको मिल रहा है पैसा। तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो 15,000 का आपको अप्रूवल मिला है, 35,000 का अप्रूवल मिला था, अब तो बोला था अब उसी के अंदर आप लोगों को मिलेगा, अब वहां पर अप्रूवल आपको 1,00,000 भी मिल सकता है, अगर 1,00,000 मिल गया तो 70-75,000 या फिर 80,000-90,000 भी मिल सकता है, ठीक है। तो ट्राई करना आप लोगों को मिलेगा, कितना मिलेगा वो तो मुझे पता नहीं, आप लोग अप्लाई करोगे तभी पता चलेगा। तो 12 महीने के लिए मिल रहा है, EMI वगैरह सब कुछ शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप लोगों को जो है लोन सैंक्शन का डिटेल्स को कंफर्म करना होगा, कंफर्म जैसे करोगे तो नेक्स्ट पेज में देखने को मिल रहा है। कांग्रेचुलेशंस का पेज यहाँ पर आ चुका है, जैसे कि लाइव आप लोगों को देखने को मिल रहा है, कांग्रेचुलेशंस का पेज है। इसी तरीके से आप लोगों को भी लोन मिलेगा जब भी आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे, इसी तरीके का लोन अप्रूवल होगा और आप लोगों के बैंक अकाउंट पर पैसा ट्रांसफर होगा विद इन 2 मिनट्स के अंदर, ठीक है। ज्यादा टाइम नहीं लगता, 2 मिनट के अंदर पैसा ट्रांसफर हुआ था, जूनियर सब्सक्राइबर दोस्त ने यहाँ पर अप्रूवल करवाया था। अभी ये लोन एप्लीकेशन कौन सा है वो मैं आप लोगों को बताया, तो इस लोन एप्लीकेशन का नाम है चोला फाइनेंस। जी हाँ दोस्तों, अगर आप प्ले स्टोर पर जाकर सर्च करोगे चोला फाइनेंस के नाम से तो आप लोगों को मिल जाएगा इस लोन एप्लीकेशन का नाम। अगर आप उसको अप्लाई करोगे, जो जो प्रोसेस मैंने आप लोगों को बताया अप्लाई करोगे, डेफिनेटली आप लोगों को इससे लोन मिलेगा, ये मैं आप लोगों को गारंटी दे रहा हूं। अगर आप सही तरीके से अप्लाई करोगे डेफिनेटली लोन मिलेगा, जो प्रोसेस मैंने बताया स्किप करोगे रिजेक्शन होगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ स्किप करोगे रिजेक्शन होगा, पूरा वीडियो देखना, अप्लाई करना, रिजेक्शन नहीं होगा, ये मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ। जो लोग रिजेक्शन नहीं होता जिनका, वो पूरा वीडियो देखते हैं उसके बाद अप्लाई करते हैं सोच समझ के, उसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है कि भाई रिजेक्शन नहीं हो रहा है और अप्रूवल हो जा रहा है। तो सही तरीके से अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आप लोगों को लोन मिलेगा। तो दोस्तों, आई होप इस वीडियो से जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आप लोगों को प्रोवाइड किया है सही तरीके का इन्फॉर्मेशन मैंने प्रोवाइड कर पाया। अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर करें, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना ना भूलें। तब तक के लिए चलते रहो, ठीक है, जय हिंद जय भारत दोस्तों।